हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन नेचर में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर गुलाब के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं। पहला गुलाब मैं दोस्तों आपको जो दिखा रहा हूं, इसका नाम है मॉन्चेरी। मॉन्चेरी दोस्तों एक बेहतरीन वैरायटी का गुलाब है और इसके कलर को आप देख सकते हैं कितने शानदार इसके कलर है। और इस गुलाब का एक स्पेशलिटी ये है दोस्तों, जैसे हर गुलाब में समय बढ़ने का साथ फूल के कलर फेड होते हैं, इसमें कलर और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, यही इसके खासियत है। और इसके फोलियज देखिए, डार्क ग्रीन फोलियज है और मैं अभी शावरिंग करने के बाद इसमें चमक और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, इसके फ्लावर आपको हैरान करेंगे। जितने दिन इनके फूल खिलने के बाद समय बीतेंगे, फूल के कलर और ज़्यादा डार्क होने लगेंगे और बिल्कुल सुंदर कलर है, बहुत ही अलग तरह के कलर हैं। यानी फूल खिलने से लेकर फूल झड़ने तक इसके कलर आपको चेंज होते हुए आपको हर रोज़ अलग अलग कलर दिखेंगे और फूल झड़ने तक आपको प्लांट में ये सुंदर लगेंगे। जैसे कि दूसरे फूल ज़्यादा एज होने के बाद उसके कलर फेड हो जाते हैं और देखने में बदसूरत हो जाते हैं, लेकिन मॉन्चेरी दोस्तों आपको ऐसा नहीं है। मॉन्चेरी झड़ने तक फूल के जो खूबसूरती है वो बने रहते हैं और फूल के शेप भी देखिए, बहुत सुंदर फूल के शेप है। अभी मिडिल में थोड़े से क्रीमिश कलर है, पर ये कुछ दिन में ही पूरे डार्क हो जाएंगे और जितने धूप लगेंगे उतने जल्दी इसके कलर आपको चेंज होते हुए दिखेंगे। तो आप मॉन्चेरी ज़रूर ऐड कीजिएगा अपने गार्डन पे। दूसरा गुलाब दोस्तों, मैं एक फ्लोरिबंडा रोज़ लेकर आया हूँ। ये दोस्तों जॉर्ज बर्न्स है और जॉर्ज बर्न्स के गुलाब तो आप जानते ही होंगे, ये कलर के लिए जाने जाते हैं। मल्टी कलर के स्ट्राइप रोज़ है, बेहतरीन इसके कलर है। और देखिए, दो तीन फूल खिले हैं, सब में स्ट्राइप अलग अलग आए हैं, यही इसके खासियत है। हर फ्लावर में एक ही तरह के स्ट्राइप नहीं रहते हैं, किसी में येलोइश ज़्यादा रहते हैं, किसी में रेड ज़्यादा रहते हैं और किसी में येलो और रेड का समान एक मिश्रण रहते हैं। तो इसी तरह का है दोस्तों जॉर्ज बर्न्स। जॉर्ज बर्न्स बहुत बेहतरीन क्वालिटी का गुलाब है और पूरे दुनिया में जॉर्ज बर्न्स बहुत फेमस रोज़ भी है एक। और फ्लोरिबंडा होने के कारण दोस्तों इसमें फ्लावर बहुत ज़्यादा होते हैं और फूल आपको एक के बाद एक पूरे सीज़न भर दिखते ही रहेंगे। और फूल के साइज़ दोस्तों थोड़े छोटे होते हैं, बहुत बड़े फूल तो नहीं होते एसटी वैरायटी का जैसे, पर बहुत ही सुंदर इसका कलर होने के कारण ये अट्रैक्टिव है, आई कैचिंग है। तो दोस्तों तीसरा गुलाब, ये भी फ्लोरिबंडा रोज़ है, ये मिडनाइट ब्लू इसका नाम है दोस्तों, जैसा नाम वैसा ही ये फूल है। ब्लू कलर के तो डार्क ब्लू कलर के कोई भी गुलाब होते नहीं है, मैं अभी तक देखा नहीं हूँ दोस्तों, अगर है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर डीप पर्पल कलर के रोज़ होते हैं, उसी में ये मिडनाइट ब्लू है। और मिडनाइट ब्लू देखिए दोस्तों, जितने आपके से क्षेत्र में सर्दी ज़्यादा होंगे उतने इसके कलर डार्क कलर के आएंगे और गर्मी में दोस्तों ये बिल्कुल एकदम लाइट कलर के आते हैं और सर्दी में ये डार्क आते हैं। तो थोड़े से ब्लूइश टोन रहते हैं इसमें, इसलिए इसको ब्लू रोज़ भी कहा जाता है, पर पूरे ब्लू तो होते नहीं हैं। और फ्लोरिबंडा होने के कारण देखिए दोस्तों, एक साथ तीन चार कलियाँ का बंचेस आते हैं, यानी एक फूल खिलने के बाद वो फिर दो तीन आगे भी फूल खिलते रहेंगे। तो इसी तरह दोस्तों मिडनाइट ब्लू का मज़ा लेना क्या है तो आप भी एक प्लांट ज़रूर घर में लगाइएगा, क्योंकि इसके कलर बहुत ही अच्छे हैं और बेहतरीन कलर है, कलर चेंज भी होते हैं। और इसके फूल के लास्टिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, दो तीन दिन का अंदर ही, यही डिमेरिट्स है कि दो तीन दिन में ये फूल झड़ जाते हैं। और इसी तरह दोस्तों, वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।